हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन टुडेज वीडियो लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। आप सब ने मशीन लर्निंग का नाम तो सुना ही होगा। इट इज़ अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज इन मैनी डोमेन्स लाइक AI, ऑटोमेशन एंड डेटा साइंस। आज के इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग क्या है उसके बारे में जानेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे। सो वेल, व्हाट इज मशीन लर्निंग? इट इज एबिलिटी ऑफ मशीन टू लर्न ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशन एंड प्रोवाइडेड डेटा एंड प्रेडिक्ट अपकमिंग अननोन डेटा लेवल। इसमें हम मशीन को सेल्फ लर्न कैसे करते हैं वो सिखाते हैं बेस ऑन अवेलेबल डेटा। ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से डिफरेंट है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं फॉर गेटिंग डिजायर्ड आउटपुट, बट इन केस ऑफ मशीन लर्निंग हम एक मॉडल को ट्रेन करते हैं यूजिंग पास्ट आउटपुट डेटा, एंड अब ये मॉडल अपने आप सेल्फ लर्न करके नेक्स्ट आउटपुट जनरेट करेगा। There are numbers of applications of machine learning algorithm like web search, finance, e-commerce, robotics, social networks, artificial intelligence. Classification of machine learning algorithm. Machine learning algorithms are divided into two parts. First one is supervised learning and another one is unsupervised learning. सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास डेटा के नोन लेबल्स होते हैं जो मशीन के सुपरविजन में यूज होते हैं। नाउ मशीन उस अननोन डेटा लेबल के ऑब्जर्वेशन को लर्न करेगा एंड अननोन लेबल्स को प्रिडिक्ट करेगा। उसके दो कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में हम डेटा को क्लास लेबल के अनुसार क्लास में डिवाइड करते हैं, और रिग्रेशन में न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन को हम लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शन में फिट करते हैं। क्लासिफिकेशन के एग्जांपल है डिसीजन ट्री, SVM एंड न्यूरल नेटवर्क्स। रिग्रेशन के एग्जांपल है लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नेक्स्ट इज अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हम अननोन डेटा को अकॉर्डिंग टू देयर एट्रीब्यूट वैल्यू क्लास लेबल असाइन करते हैं, जिसमें हमारे पास ट्रेन डेटा नहीं होते। उसका एक एग्जांपल है क्लस्टरिंग, के मीन्स के मेडोइड क्लस्टरिंग। तो चलिए अब हम मशीन लर्निंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। मशीन लर्निंग प्रोसेस फोर पार्ट्स में डिवाइड की गई हुई है। इसके फर्स्ट पार्ट में कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको प्री प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड देन डेटा को हम ट्रेन एंड टेस्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं। ट्रेन एंड टेस्ट पार्ट में डेटा को डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज चूजिंग एंड ट्रेनिंग अ मॉडल, जिसमें हम बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अवेलेबल है, जिसमें से एक मॉडल हमें चूज करना है। हम अपना मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं, देन इस मॉडल को हमें ट्रेनिंग डेटा से ट्रेन करवाना है। नेक्स्ट स्टेप इज अब हम मॉडल को ट्रेन करवा चुके हैं, अब उसे इवेल्युएट करना है। इवेल्युएशन के लिए हम टेस्ट डेटा यूज करेंगे, और उसमें मॉडल से हम क्लास लेबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे, देन एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे अगर हमारा मॉडल गलत प्रिडिक्शन दे रहा है तो आप उससे मॉडिफाई कर सकते हैं और करेक्टली लर्न कर सकते हैं। अब हमारा मॉडल रेडी है और अब हम उसे प्रिडिक्शन के लिए यूज करेंगे, जिसमें हम अननोन डेटा लेबल को अपने मॉडल से प्रिडिक्ट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसका एक वर्किंग एग्जांपल देखते हैं। पार्ट वन में डेटा कलेक्शन एंड प्रिपेयरिंग डेटा, उसके लिए हमने एक डेटा सेट लिया है जिसमें टोटल 5 एट्रीब्यूट है। एक हमारा क्लास लेबल है जिसका नाम है प्ले,
जिसमें अगर पर्सन फिट है तो ही प्ले कर सकता है, अगर वो अनफिट है तो प्ले नहीं कर सकता। इस डेटा में टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम इस डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं। 70% डेटा अब हम ट्रेन पार्ट में यूज़ करेंगे एंड 30% टेस्ट पार्ट में यूज़ करेंगे। अब हम एक मॉडल को ये ट्रेन डेटा से ट्रेन करवाएंगे, जिसमें हमने एक सिंपल मशीन लर्निंग डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन का एग्जांपल लिया है। इस मॉडल को अब हम ट्रेन करवाएंगे यूजिंग ट्रेनिंग डेटा एंड एक क्लासिफायर मॉडल जनरेट करेंगे। ये क्लासिफायर मॉडल जनरेट करने के बाद हम इस क्लासिफायर मॉडल को इवेल्यूएट करेंगे यूजिंग टेस्टिंग डेटा, जिसमें एक्चुअल वैल्यू क्लास लेबल की हमारे पास ऑलरेडी थी और अब हमने क्लास लेबल की वैल्यू हमारे मॉडल से प्रिडिक्ट करवाई है। अब हम एक्चुअल वैल्यू एंड आउटपुट वैल्यू को कंपेयर करते हैं देखने के लिए कि हमारा मॉडल करेक्टली लर्न हुआ है कि नहीं। यहाँ पे हमारा मॉडल करेक्ट लर्न हो गया है, तो अब हम इस मॉडल को प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करेंगे। प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करने के लिए हमारे पास अननोन डेटा होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास अननोन डेटा है, जिसमें हम प्ले एट्रीब्यूट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हम प्रिडिक्ट करवाएंगे और ये हमारा प्रिडिक्शन आउटपुट है जो एक्यूरेटली प्रिडिक्शन दे रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये मॉडल लर्न हो चुका है और वो प्रिडिक्शन भी करेक्टली कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने मशीन लर्निंग क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एंड प्रोसेस ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में जाना है विथ वन वर्किंग एग्जाम्पल। हमारे अगले वीडियो में हम आर प्रोग्रामिंग से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैसे डेवलप करते हैं वो जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।